ए गोटिया, तेरी बीवी ने मंगलसूत्र और टीका क्यों निकाल दिया? हाँ ये सच है रवि, हम लोगों की शादी अभी हुई नहीं है, मगर हम लोग करना जरूर चाहते हैं। अभी तक तो ये सिर्फ एक ख्वाब बन के रह गया है, जो एक न एक दिन हम पूरा करना चाहते हैं। अगर तुम लोग शादी का नाटक कर सकते हो तो शादी क्यों नहीं कर लेते? बोल गुटिया, प्रॉब्लम क्या है? बोल। बारा। अरे बोल, बोलता क्यों नहीं? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि वो कोठे पर जिस्म बेचने वाली एक औरत है, और वो लोग कभी मेरी शादी उससे होने नहीं देंगे। रवि, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसे जाके वहां से खरीद के ले आऊं। कुटिया, कुटिया तुम लोग भाग क्यों नहीं जाते? भाग जाना इतना आसान नहीं है रवि, उन लोगों के हाथ बहुत लंबे हैं, और वो बात और है कि मुझ पे इतनी हिम्मत भी नहीं है। लोग कहते हैं ये सपनों का शहर है, क्या हमारा सपना भी कभी पूरा होगा? क्या एक जिस्म बेचने वाली औरत की कभी शादी होगी? तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, मेरा दिल कहता है तुम दोनों का सपना जरूर पूरा होगा। ए गुटिया, लोग कहते हैं ये सपनों का शहर है, क्या हमारा सपना भी कभी पूरा होगा? क्या एक जिस्म बेचने वाली औरत की कभी शादी होगी? पागल हुई हो? इतने रात गए बीच सड़क में खड़ी हो? पागल मैं नहीं, मेरी चिड़िया हो गई है। देखो ना, मैंने आजाद करी और ये जाती ही नहीं। मैं जानता हूँ क्यों नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाती? क्योंकि ये बड़ा भयानक शहर है, अगर ये बाहर निकलेंगे तो इन्हें चील और गिद्ध नोच खाएंगे, मार डालेंगे इन्हें। तो मैं क्या करूँ इनका? मेरे चाचा मुझे कहीं ले जाने वाले हैं और मैं इन्हें वहाँ नहीं ले जा सकती। मुझे दे दो। तुम इनकी देखभाल करोगे? अच्छी तरह? हाँ। पूजा, बेटी कहाँ हो तुम? ये लो। पता है, इस शहर में तुम पहले आदमी हो जिससे मुझे डर नहीं लगा। जल्दी आओ। अंदर जाने का है। आइए उधर। क्या है? अंदर बुलाया है। किसने? ओए। ए लड़की, चल चल उधर बैठ बैठ। ए तू इधर आ, इधर आ बैठ। कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने।
देख देख मेरे तो बाल खड़े हो गए हाथ पे, जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग है? हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देखना ना रूप ना रंग, देख ये किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी। ये सब क्या है चाचा? चलो यहाँ से। मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। हाँ। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी? फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है, है? लेकिन इतने साल हो गए इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह। नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ। रिश्तेदारी का तो खेल है ये सब, जब अपने जान पे पड़ती है ना तो धरे के धरे रह जाते हैं ये रिश्ते नाते। अब ये बंसी बेचारा क्या करेगा, तू उसकी भतीजी है और वो उसकी बेटी है, बेटी। अपनी बेटी के लिए ठीक ही तो किया है उसने, तेरी किस्मत ही तुझे यहाँ लाई है, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, समझी? हाँ, टॉप की वेश्या बनाऊंगी तुझे, एकदम टॉप की, ये मेरी गारंटी है। नहीं चाचा, चलो यहाँ से, चाचा आप ऐसे नहीं कर सकते हो। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे, मुझे नाटक बंद कर, मुझे माफ कर। ए बंसे, जा जा, आ जा, उठ, चलो। नहीं चाचा, मुझे अकेला मत छोड़ो। रोके क्या करेंगे? मुझे अकेला मत छोड़ो। बस, बस। जो चलोगे? बैठिए। अरे साहब, कुछ दिन पहले आपकी फोटो मैंने न्यूज़पेपर में देखी थी, आपको कुछ इनाम भी मिला था। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। आपकी फोटो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी और आपका आर्टिकल इलस्ट्रेटेड वीकली में आया था। हाँ साहब, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम पढ़े लिखे हो, तो फिर ये टैक्सी क्यों चलाते हो? क्या बताए साहब, किसी की तलाश कर रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? वैसे किसे ढूंढ रहे हो तुम? है एक चेहरा साहब, धुंधला सा, पता नहीं वो मुझे मिलेगा या नहीं। बस यहीं आकर रुको। अरे साहब, आपसे क्या पैसे लेने? अरे रख लो। नहीं नहीं साहब, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े तो मैं यहीं रहता हूँ। सी यू। ठीक है साहब।